हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। और आज हम पढ़ रहे थे वर्क एनर्जी पावर के 31 ईयर वाले प्रॉब्लम। ठीक है, आई होप कि आपका बेसिक जो कॉन्सेप्ट है थ्योरेटिकल वो स्ट्रांग होगा, तभी आप ये सब न्यूमेरिकल बेहतर तरीके से समझ सकते हो। ठीक है, वैसे मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आपको समझाते चलूँ, आसपास की थियोरी भी थोड़ा थोड़ा कवर हो जा रहा है। ठीक है, चलो। तो सबसे पहला ये क्वेश्चन है, कंसीडर ए ड्रॉप ऑफ रेन। ठीक है, एक यच हाइट पे रेन का ड्रॉप है और ये हम लोगों का ग्राउंड है। ठीक है ना, अब ये रेन ड्रॉप 1 किलोमीटर की हाइट पर है, समझना इसको। 1 किलोमीटर की हाइट पे एक रेन ड्रॉप है और रेन ड्रॉप जब भी गिरेगा तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 होगा। पहले से थोड़ी वो चलता है, ऐसा नहीं है ना। जब ये ग्राउंड को हिट किया रेन ड्रॉप, तो देखो क्वेश्चन पढ़ो, ग्राउंड को हिट किया तो जब ये ग्राउंड को हिट करता है तो वो 50 मीटर पर सेकेंड से हिट करता है और ये इसकी फाइनल वेलोसिटी है, ये इसकी इनिशियल वेलोसिटी है, ये 1 किलोमीटर है। जी की वैल्यू 10 लेना है। तो जब रेन ड्रॉप फॉल कर रहा है तो आप समझ रहे हो इसमें दो फोर्स लग रहे हैं। जब रेन ड्रॉप, जैसे ये मार्कर है, अगर ये एयर में फॉल करेगा तो इसमें दो फोर्स लगेगा। कौन कौन? ग्रेविटी नीचे लगेगी और विस्कस एयर का फोर्स ऊपर लगेगा, एयर ड्रैग। ठीक है, तो दो फोर्स लग रहा है, तो उन दोनों का अलग अलग हमें वर्क निकालना है कि इसमें से रेजिस्टिव फोर्स एयर का कितना वर्क होगा और ग्रेविटेशनल फोर्स का कितना वर्क होगा। क्लियर है? अब देखो, एक तो तरीका इसको जो है वो कैलकुलेट करते हुए करो। ठीक है, पहला जो तरीका ये है, ठीक है, इसको तुम ऑप्शन भी चेक करके कैलकुलेट कर सकते हो। ठीक है, और जैसे हमको पता है, देखो पहले एक जुगाड़ मेथड बताता हूँ। जब ये इसको हिट किया तो काइनेटिक एनर्जी में चेंज कितना आया बोलो? तो काइनेटिक एनर्जी में चेंज आया, इनिशियल जीरो था, फाइनल ए हुआ, तो काइनेटिक एनर्जी फाइनली कितनी हो गई? 1/2 mv² और मास कितना है? हाफ मास 1 ग्राम है, 1 × 10³ और वी की वैल्यू 50 है, तो ये 25। जब इसको काटोगे तो ये 1 ग्राम है ना, 10⁻³ kg, तो ये 2.5 / 2, दैट इज 1.25 जूल, दैट इज द फाइनल काइनेटिक एनर्जी। तो 1.25 जूल जो है वो फाइनल काइनेटिक एनर्जी आ गई हमारी। अब हम वर्क एनर्जी थ्योरम से पता है, ठीक है, एक है कि इसको एक्चुअल में कैलकुलेट करो। बात वही है कि वर्क एनर्जी थ्योरम से हमें पता है कि चेंज इन वर्क डन व्हाट एवर जो भी ग्रेविटेशन और एयर वर्क किए होंगे, तो उनका जो वर्क डन है वो 1.25 के इक्वल होगा ही। तभी तो वर्क एनर्जी थ्योरम सही होगा यार। वर्क एनर्जी थ्योरम क्या कहता है कि वर्क डन बाय द ऑल द फोर्सेस मतलब जितने भी फोर्स हैं, ठीक है, सभी का वर्क डन का सम। ठीक है भाई, फ्रिक्शन, एयर, रियल, सूडो, नॉर्मल, जो भी लग रहा है, सभी का वर्क डन चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के बराबर हो। तो यहाँ पर तो दो ही फोर्स लग रहे हैं, तो दोनों का वर्क डन चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के बराबर होना चाहिए, और चेंज इन काइनेटिक एनर्जी 1.25 आ गया। इसका मतलब ये हुआ कि इसमें से दोनों का जो सम है, वर्क डन का सम है। हाँ, एक इंटरेस्टिंग बात यह है कि ग्रेविटी नीचे लग रही है और एयर ड्रैग ऊपर लग रहा है, तो एयर ड्रैग का निगेटिव वर्क डन होगा और ग्रेविटी का पॉजिटिव वर्क डन होगा। तो ये कभी सही नहीं हो सकता, इसके सही होने के कोई भी चांस नहीं है। ठीक है, इसके भी सही होने के कोई चांस नहीं है, इट्स इम्पॉसिबल कि ये दोनों ऑप्शन सही हो जाए। ठीक है, क्योंकि यहाँ रेजिस्टिव फोर्स का वर्क डन निगेटिव होगा जो कि ऊपर लग रहा है, जो पॉजिटिव दिया है, यहाँ ग्रेविटी का वर्क डन निगेटिव दिया था। ठीक है, चलो, इन दोनों में जो सम देखोगे तो 1.25 और -8.5 को जोड़ोगे तो, ठीक है, तो ये 7 आ जाएगा। ठीक है, -7 आ जाएगा, तो ये कभी सही नहीं होगा। और इन दोनों को जोड़ोगे तो इतना आ जाएगा 1.25। ठीक है, देखो -8 7.5 और 10 जूल, तो 1.75, मतलब ये ऑप्शन सही है। नहीं तो अगर आगे और करना चाहते हो तो इसको ऐसे कर भी सकते हो। ठीक है, इसको थ्योरम लगा को कि वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस मतलब ग्रेविटी प्लस वर्क डन बाय फ्रिक्शन मस्ट बी इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, और काइनेटिक एनर्जी हम पहले ही निकाल लिए हैं 1.25। ठीक है, अब ग्रेविटी का वर्क डन निकालो। जब यहाँ से बॉल गिराया जाएगा, यहाँ आएगा, तो ग्रेविटी कितनी वर्क करेगी? तो ग्रेविटी का वर्क डन हो जाएगा mgh। ठीक है, mgh कितना? मास है 1 × 10³ - 3 kg हो गया, g की वैल्यू 10 ले लो, हाइट 1 है, तो यह आ जाएगा, हाइट 1 किलोमीटर है, तो ये 10⁻³ - 3 मीटर आ जाएगा। ठीक है, तो यह आ जाएगा 1 किलोमीटर है ना,
तो 10 की पावर, एक मीटर मास कितना था, 1 ग्राम था, हाँ मास 1 ग्राम था, 10 की पावर -3, जी की वैल्यू 10 और 1 मीटर, ठीक है। हाँ तो ये आ जाएगा 10 जूल, वर्क डन आ जाएगा 10 जूल, किसका, ग्रेविटी का, MGH। अब ले जाके यहाँ पर रखोगे, इसमें रखोगे तो हमें मिलेगा, जो हम लोग को फाइनल सोल्यूशन मिलेगा, वर्क डन बाई रजिस्टिव फोर्स कितना आ जाएगा, वर्क डन बाई एयर इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी माइनस वर्क डन बाई द ग्रेविटी, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी 1.25 और माइनस, यहाँ से माइनस आ जाएगा, ग्रेविटी का वर्क डन 10 जूल इज इक्वल टू -8.75 जूल, दैट इज द वर्क डन बाई द -8.7 वर्क डन बाई एयर रजिस्टिव फोर्स और 10 जूल वर्क इज डन बाई द ग्रेविटी, दैट इज सी ऑप्शन सही है, ठीक है। आप ये इन सब स्टेप से बच भी सकते थे, आप यहाँ लॉजिक लगा देते, वर्क एनर्जी थ्योरम का कॉन्सेप्ट लगा देते और ऑप्शन को ही जोड़ लेते और इसके बराबर आ गया, तो आप ये सब करने की जरूरत नहीं थी आपको, ठीक है। हमें टाइम बचाना भैया, जो टाइम बचाएगा विनर वही होगा। चलो, एक बुलेट है 10 ग्राम मूविंग हॉरिजेंटली, अगर एक बुलेट है वो हॉरिजेंटली मूव कर रहा है और मूव करते करते, ठीक है, बुलेट 10 ग्राम मूविंग हॉरिजेंटली विद वेलोसिटी 400 स्ट्राइक ए वुडन ब्लॉक का मास 2 kg विच इज सस्पेंडेड बाय ए लाइट इन एक्सटेंसिबल स्ट्रिंग ऑफ लेंथ 5 मीटर, एज ए रिजल्ट सेंटर ऑफ ग्रेविटी फाउंड टू राइज 10 cm ऊपर, द स्पीड ऑफ द बुलेट आफ्टर इमर्ज हॉरिजेंटली फ्रॉम द ब्लॉक। पहले क्वेश्चन को समझो तब इसको कर पाओगे। एक स्ट्रिंग से वुडन ब्लॉक पहले से अटैच था जो कि रेस्ट में था, इधर से एक बुलेट आया मूव करते हुए, ठीक है, दिस इज द बुलेट, थिंक अबाउट दिस बुलेट, दिस बुलेट है 400 मीटर पर सेकेंड स्पीड, ठीक है, 400 मीटर पर सेकेंड स्पीड, ये इसको हिट करेगा एंड द बुलेट मास 10 ग्राम है, मास इसका 10 ग्राम है, ये इसको ही हिट करेगा एंड स्टिक एंड वुडन ब्लॉक ऑफ मास 2 kg, इसका जो ब्लॉक का मास है वो एक्चुअल में 2 kg है। हिट करने के बाद सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ ब्लॉक राइट टू वर्टिकल डिस्टेंस 10 सेंटीमीटर। अब जब हिट किया, हिट करने के बाद ये इसमें एम्बेडेड हो गया, ठीक है, बुलेट इसमें एम्बेडेड हो गया और इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो है वो 10 सेंटीमीटर ऊपर आ गया, यहाँ पे कहीं पे आ गया होगा ब्लॉक, ठीक है, और ये जो हाइट है दैट इज 10 सेंटीमीटर, ठीक है, 10 सेंटीमीटर हाइट तक राइज हो गया, है ना, क्लियर है सब कुछ, ये 10 सेंटीमीटर तक हो गया भाई। अब 10 सेंटीमीटर कहता है लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग 5 मीटर ले लो, अगर जरूरत पड़ता है तो लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग 5 मीटर ले लो, राइज टू वर्टिकल डिस्टेंस, स्पीड ऑफ द बुलेट आफ्टर इमर्जिंग हॉरिजेंटली फ्रॉम द ब्लॉक। अब हमें, ठीक है, उस ब्लॉक की स्पीड निकालनी, उस बुलेट की स्पीड निकालनी है जो इससे हॉरिजेंटली बाहर जाएगा, ठीक है, वो जो बुलेट इसमें था जो हिट करने के बाद वो यहाँ से हॉरिजेंटली बाहर जाएगा ऐसे, और उसकी स्पीड कितनी होगी ये हमें कैलकुलेशन करना है। बात समझ में आया, बुलेट आया था, ये रेस्ट में था, ये चल रहा था, इसको हिट किया, सब कुछ हॉरिजेंटली ऐसे, ये वर्टिकली राइज हो गया, मैक्सिमम हाइट तक गया, यहाँ पर ब्लॉक की वेलोसिटी 0 हो चुकी होगी, ठीक है, और उसके बाद बुलेट हॉरिजेंटली बाहर आएगा, हॉरिजेंटली, ठीक है, तो हमें वही कितने स्पीड से बाहर आ रहा है वही हमें कैलकुलेट करना है, ठीक है ना, समझ में आ गया। चलो, अब हमें सबसे पहले ये जानना पड़ेगा मोमेंटम कंजर्व कराते हैं, मोमेंटम कंजर्व कैसे कराते हैं, दो सिचुएशन है, एक सिचुएशन है कोलिजन से पहले, एक सिचुएशन है कोलिजन के बाद। मोमेंटम तभी कंजर्व होता है जब नेट फोर्स 0 हो, जो हॉरिजेंटल है, ठीक है, जब यहाँ कोलिजन हो रहा है तो हॉरिजेंटल में नेट एक्सटर्नल फोर्स 0 है, ग्रेविटी टेंशन जो भी लग रहा है वो सब वर्टिकल में है, हॉरिजेंटल में कोई फोर्स नहीं लग रहा, तो हॉरिजेंटल में मोमेंटम कंजर्व करा सकता हूँ मैं, ठीक है। चलो, तो इनिशियल पहले ब्लॉक की देख लेते हैं, ब्लॉक कितनी वेलोसिटी से ऊपर गया होगा, ब्लॉक की वेलोसिटी V2 जस्ट आफ्टर कोलिजन, कोलिजन के बाद ब्लॉक की जो स्पीड है वो V2 है, तो पहले मैं V2 निकाल लूँ, तो यहाँ ब्लॉक V2 से चला और हाईएस्ट पॉइंट पे ब्लॉक की जो स्पीड है वो 0 हो गई, तो एनर्जी कंजर्व करा दूँ ब्लॉक के लिए, फॉर ब्लॉक, तो अगर मैं ब्लॉक को देखूँ तो ब्लॉक की काइनेटिक एनर्जी 12 mv2² और पोटेंशियल यहाँ पर 0 है और हाईएस्ट पॉइंट पर काइनेटिक 0 है और पोटेंशियल MgH, तो m ने m को
मतलब ब्लॉक की जो वेलोसिटी है वो 2gh के इक्वल आ गई। 2gh मतलब कितना, 2 × 10 और हाइट एट 10 cm, 10^-2, तो 10^-2, ये 10^2 खत्म हो गया, √2, मतलब वेलोसिटी इज इक्वल टू √2 मीटर पर सेकेंड से ब्लॉक ऊपर जाएगा, ठीक है। और जब हाईएस्ट पॉइंट पे जाएगा तो इसकी वेलोसिटी हो जाएगी यहाँ पे, इसकी स्पीड हो जाएगी 0। ये तो क्लियर है। तो हमें कोलिजन से पहले इसकी मोमेंटम कंजर्व करा देते हैं, कोलिजन के बाद, कोलिजन से पहले इनिशियल मोमेंटम मस्ट बी इक्वल टू कोलिजन के बाद फाइनल मोमेंटम एक्स एक्सिस में, ठीक है। तो मोमेंटम, इनिशियल मोमेंटम इन एक्स एक्सिस मस्ट बी इक्वल टू फाइनल मोमेंटम इन एक्स एक्सिस, ठीक है, क्लियर है। तो अगर मैं मोमेंटम कंजर्व कराता हूँ तो इनिशियल मोमेंटम लिखो, इनिशियल मोमेंटम, चलो इनिशियल मोमेंटम बुलेट की, बोलो बुलेट की इनिशियल मोमेंटम, बुलेट का मास 400, ठीक है, बुलेट का वेलोसिटी और बुलेट का मास 10 ग्राम, 10 × 10^-3, और ब्लॉक के लिए हो गया 0, दैट इज इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ये हो गया इनिशियल मोमेंटम। इन दोनों का फाइनल मोमेंटम कोलिजन के बाद, कोलिजन के बाद क्या हुआ, कोलिजन, जस्ट कोलिजन के बाद, कोलिजन के बाद ये बुलेट इसमें आ गया, ठीक है, और उसके बाद ये दोनों यहाँ पे, कोलिजन के बाद ब्लॉक और बुलेट, ठीक है, ब्लॉक और ब्लॉक की जो वेलोसिटी वो v2 हो गई, ठीक है, जो कि हम पहले निकाले, और ब्लॉक का मास, ब्लॉक का मास 2 kg था, और उसके बाद फाइनल ब्लॉक की वेलोसिटी 0 हो गई, तो उसका मोमेंटम 0 हो गया। और उसके बाद ये कोलिजन, ये बुलेट जब बाहर आया, समझना, जब बुलेट बाहर आया तो उसकी वेलोसिटी भी वही, तो हमें कैलकुलेट करना है, और बुलेट का मास इंटू 10^ बुलेट का मास 10^-3 मल्टीप्लाइड बाई 10 kg, ये, ठीक है, समझ में आया, आई होप कि समझ में आया होगा। देखो एक्चुअली जब यहाँ से दोनों चले जस्ट कोलिजन के बाद, ये इसकी वेलोसिटी, ब्लॉक की वेलोसिटी v2 है, और कोलिजन के बाद ब्लॉक की वेलोसिटी यहाँ हाईएस्ट पॉइंट पे 0 हो गया उसका मोमेंटम, फिर एक्स एक्सिस में इसकी वेलोसिटी है, ठीक है ना, बुलेट की। तो फाइनली अब जब मैं इसको कैलकुलेट कर लेना, फाइनली इन दोनों को इक्वेट कर दो, और इक्वेट करने के बाद यहाँ से v2 की वैल्यू √2 डाल देना, और √2 डालने के बाद भी कैलकुलेट कर लेना, 120 मीटर पर सेकेंड से बुलेट है वो इमर्ज होगा, बाहर आएगा, ठीक है, हाँ 170 के आसपास कुछ आता है, 117, ये जो है कैलकुलेट करने के बाद ये शायद आता है 117.8 के आसपास, अप्रॉक्सीमेटली 120, ठीक है, इसका जो सोल्यूशन है वो अप्रॉक्सीमेट हम लिखेंगे, ठीक है ना, अप्रॉक्सीमेट, ठीक है, एग्जैक्ट नहीं आता है 120, ठीक है। तो ये चलो नेक्स्ट, ये देखो ये एक प्रॉब्लम है, ये बेसिकली क्या है, कोलिजन का है। देखो टू आइडेंटिकल ब्लॉक्स ए एंड बी हैविंग वेलोसिटी 0.5 पॉइंट और -0.3 रिस्पेक्टिवली कोलाइड ईच अदर इन वन डायमेंशन, इलास्टिक कोलिजन वन डायमेंशन में है, ठीक है, एक लाइन में कोलिजन है और वन डायमेंशनल कोलिजन है, ठीक है, क्लियर है। वेलोसिटी ऑफ बी एंड ए आफ्टर द कोलिजन, मतलब कोलिजन के जस्ट बाद बी और ए की वेलोसिटी कितनी होगी, बी एंड ए आफ्टर द कोलिजन। चलो पहले तो क्वेश्चन को समझो, क्वेश्चन कहता है कि अगर एक सरफेस है, यहाँ पर एक बॉल इधर से आ रहा है जिसकी वेलोसिटी प्लस 0.5 है, तो 0.5 प्लस 0.5 इधर ही होगा, इसका नाम ए है, ठीक है, टू आइडेंटिकल बॉल ए एंड दूसरा जो है वो इधर से आ रहा है, इसकी वेलोसिटी -0.3 है मीटर पर सेकेंड, और इसका नाम बी है। ये दो ब्लॉक बॉल है, इनका नाम ए है और इनका नाम बी है। जब कोलिजन इलास्टिकली है, वन डायमेंशन है, दोनों की मासेज इक्वल है, तो अगर आप थियरी पढ़े हो कोलिजन का तो आपको पता होगा कि कोलिजन के बाद ऐसे केस में वेलोसिटी क्या हो जाती है, एक्सचेंज हो जाती है, ठीक है, मासेज इक्वल हो और वन डायमेंशनल कोलिजन हो तो वेलोसिटी विल बी एक्सचेंज। अगर वेलोसिटी एक्सचेंज हो गई तो कोलिजन के बाद जो है वो बी वाली वेलोसिटी ए को मिल जाएगी, मतलब ए इधर जाएगा, ठीक है, ए जो है -0.3 मीटर पर सेकेंड से इधर जाएगा कोलिजन के बाद, और बी जो है इसकी वेलोसिटी 0.5 मीटर पर सेकेंड से इधर जाएगा, ठीक है। अगर आपको नहीं पता है कोलिजन के बाद वेलोसिटी, तो मान लो जिसको कॉन्सेप्ट नहीं पता वो कैसे लगाएगा यार, तो वो फिर स्ट्रगल करेगा, लिखेगा कोलिजन के बाद पहले फाइनल वाली की वेलोसिटी बोलो m1 - m2 / m1 + m2
ठीक है, मल्टीप्लाइड बाई यू वन प्लस टू टाइम्स एम टू यू टू डिवाइडेड बाई एम वन प्लस एम टू। इलास्टिक कोलिजन में वन डाइमेंशनल में पहले वाले की वेलोसिटी कोलिजन के बाद, तो मासेज इक्वल होंगे तो ये फैक्टर जीरो आ गया, और मास अगर इक्वल है तो ये टू और टू मल्टीप्लाई हो गया। इसका मतलब ये हुआ कि वी वन इज इक्वल टू, मास इक्वल है तो ये टू एम और टू ने टू, वी वन इज इक्वल टू यू टू, मतलब पहले वाले की जो वेलोसिटी थी, पहले वाले की जो स्पीड थी वो दूसरे वाले को मिल गई। ठीक है, चलो उसी तरह से देखो, यू वन था जो यू टू था वो जो दूसरे वाले की इनिशियल स्पीड थी वो पहले वाले की फाइनल बन गई। दूसरे वाले की इनिशियल स्पीड इधर थी और कोलिजन के बाद पहले वाले की वो फाइनल बन जाएगी इधर। ठीक है, इसी तरह से आप बी टू भी कर सकते हो। ठीक है, दैट ए एक्सचेंज हो जाता मतलब, ठीक है, एक्सचेंज हो जाएगा मतलब ए ऑप्शन सही है। इतना टाइम मैं आपको समझाने के लिए लगा रहा हूँ कि आपको बेहतर तरीके से कॉन्सेप्ट समझ में आए। अब जो बंदा कॉन्सेप्ट जानेगा वो तुरंत लगा देगा, जो कॉन्सेप्ट नहीं जानेगा फार्मूला लिखेगा, डिराइव करेगा और उसे करेगा। ठीक है, उसे टाइम कंज्यूम हो जाएगा। चलो ये देखो, एक पार्टिकल है मूव करता है स्पेस में एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक। चलो एक पॉइंट है स्पेस में, ये हम लोगों का एक्स एक्सिस है और ये हम लोगों का वाई एक्सिस है। क्लियर है, दिस इज द एक्स एक्सिस, दिस इज द वाई एक्सिस। ए पॉइंट मूव फ्रॉम दिस पॉइंट ए टू पॉइंट बी। चलो पॉइंट ए से पॉइंट बी तक कोई पार्टिकल मूव कर गया और इसका पोजीशन वेक्टर आर वन है और इसका जो पोजीशन वेक्टर है दूसरे पोजीशन का वो आर टू है। हाउ मच वर्क हैज बीन डन, ठीक है, और इस पे जो फोर्स लग रहा है वो भी वेक्टर के फॉर्म में। बहुत आसान क्वेश्चन है, बेसिकली वेक्टर का है। ठीक है, ऐसे केस में वर्क डन कैसे निकालते हैं, वर्क डन निकालते हैं डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर, फोर्स और मल्टीप्लाइड बाई डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या होता है, चेंज इन पोजीशन वेक्टर। ठीक है, तो चेंज इन पोजीशन वेक्टर, तो चेंज इन पोजीशन वेक्टर डेल्टा आर कैसे निकालते हैं, फाइनल में से इनिशियल को घटा देते हैं, फाइनल वेक्टर माइनस इनिशियल वेक्टर, फाइनल वेक्टर आर टू फ्रॉम पॉइंट इतना आर टू कितना है, फोर जे कैप प्लस थ्री के कैप प्लस थ्री के कैप माइनस, पहला वाला है माइनस टू आई कैप और प्लस फाइव जे कैप। ठीक है, जब आप इसको घटाओगे इसमें से माइनस करोगे तो फाइनली जो हम लोग को मिलेगा पोजीशन वेक्टर वो टू आई कैप माइनस माइनस प्लस टू आई कैप और प्लस थ्री के कैप। ठीक है, और ये माइनस फाइव के कैप और ये माइनस जे कैप। ठीक है, दिस इज द फाइनल पोजीशन वेक्टर। ठीक है, ये चेंज इन पोजीशन वेक्टर, दिस इज द फाइनल चेंज इन पोजीशन। ठीक है, जब एक पार्टिकल यहां से यहां चल जाएगा तो उसका डिस्प्लेसमेंट वेक्टर इतना होगा और उसकी डायरेक्शन, इस वेक्टर की जो डायरेक्शन है वो इनिशियल से फाइनल ऐसे कुछ आएगी, दिस इज द डेल्टा आर इनिशियल से फाइनल। ठीक है, क्लियर है। अब इसमें डॉट प्रोडक्ट है, जो फोर्स है फोर आई कैप प्लस जे कैप लग रहा है, फोर आई कैप प्लस थ्री जे कैप लग रहा है, तो इसमें डॉट लेना फोर आई कैप प्लस थ्री जे कैप का, तो वर्क डन जो आ जाएगा, वर्क डन इज इक्वल टू फोर आई कैप प्लस थ्री जे कैप के साथ इसका डॉट ले लो टू आई कैप प्लस थ्री के कैप और माइनस जे कैप। आई होप कि डॉट सबको लेने आता होगा, टू का टू आई का आई, ठीक है, और जे का जे, मतलब फोर मल्टीप्लाइड बाई एट और जे, ये आ जाएगा माइनस थ्री और k का हो जाएगा जीरो, i का i, j का j और k का k, k का तो कोई है ही नहीं। ठीक है, मतलब ये आ जाएगा, मतलब ये आ जाएगा 5 जूल। दिस इज फाइनल सॉल्यूशन इज 5 जूल। ठीक है, तो ये जो है 5 जूल इसका फाइनल सोल्यूशन है। ठीक है, आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। कुछ नहीं है, इट्स बहुत आसान है और बहुत बार पूछा गया है। ठीक है, चलो एक पार्टिकल है 10 ग्राम का है एंड मूव अलोंग ए सर्कल ऑफ रेडियस आर। ये जो क्वेश्चन है काफी बार डाउट में आता है, इसमें बच्चे अक्सर जो है वो डाउट में इसको लाते हैं। ठीक है, ए पार्टिकल है 10 ग्राम का, मूव अलोंग ए सर्कल ऑफ रेडियस 6.4 सेंटीमीटर। ठीक है, सर्कुलर मोशन का क्वेश्चन है, कांस्टेंट टेंजेंशियल एक्सेलेरेशन। ठीक है, टेंजेंशियल एक्सेलेरेशन भी है, मतलब नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है।
व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सलेशन ऑफ द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल बी केम 8 × 10⁻⁴ वेयर द एंड ऑफ द सेकेंड रिवोल्यूशन आफ्टर द बिगिनिंग ऑफ द मोशन। ठीक है, पहले तो मैं आपको क्वेश्चन ढंग से समझाता हूँ जिससे आपको समझ में आए, समझना है। एक सर्कुलर मोशन है, ठीक है, एक सर्कुलर मोशन है, सर्कल ढंग का बना दूं, तो एक सर्कुलर मोशन है, दिस इज द सर्कुलर मोशन। ठीक है, तो एक सर्कुलर मोशन है और इस सर्कुलर मोशन में पार्टिकल यहां से चलता है, मान लो t इज इक्वल टू जीरो से यहां से मोशन करना स्टार्ट करता है और इस टाइप से सर्कल में चल रहा है। क्लियर है, इसकी रेडियस दी हुई है 6.4 सेंटीमीटर। ठीक है, 6.4 सेंटीमीटर, क्लियर है। अब कहता है कांस्टेंट टेंजेंशियल एक्सेलरेशन है, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन हमेशा कांस्टेंट रहता है, ठीक है, और एक मैग्नीट्यूड में कांस्टेंट है, उसकी डायरेक्शन तो बदलती रहेगी। तो मैग्नीट्यूड ऑफ द काइनेटिक एनर्जी, यहां पर जो काइनेटिक एनर्जी है उसकी वैल्यू दी हुई है 8 × 10⁻⁴ जूल। अब देखो यहां पर जो काइनेटिक एनर्जी है 8 × 10⁻⁴ जूल है, ठीक है, और काइनेटिक एनर्जी का मतलब क्या होता है यार, ठीक है, काइनेटिक एनर्जी का मतलब होता है कि हाफ एम वी स्क्वायर दिया हुआ है। क्लियर है, ये फर्स्ट हाफ एम वी स्क्वायर दिया हुआ है, रेडियस दिया हुआ है। अब दो रिवोल्यूशन करने के बाद इसका यहाँ पे कितनी टेंजेंशियल एक्सेलरेशन इधर होगी ए, उसकी कैलकुलेशन करनी हमें। ठीक है, कैसे किया जाए भाई, दो रिवोल्यूशन होने के बाद डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, थीटा, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, जब पार्टिकल यहाँ से चलेगा एक एक टाइम में 2π और दूसरे टाइम में 4π, तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट 4π। तो हम एक काम करते हैं, थर्ड जब चला था अरेस्ट से चला था और फाइनली वेलोसिटी इतनी है, तो थर्ड इक्वेशन हम मोशन लगा देते हैं, और थर्ड इक्वेशन मोशन लगाने के बाद हम लोग देख लेते हैं कि कितना, ठीक है, हम लोग देख लेते हैं कि कितना हम लोगों को एक्सलेशन मिलेगा वहाँ से। क्या थर्ड इक्वेशन वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as लगाते हैं, पूरे सर्कल के लिए लगा रहा हूँ, वी स्क्वायर ए आ जाएगा, ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा नॉट स्क्वायर इज इक्वल टू 2 एक्सलेशन ए, और डिस्प्लेसमेंट एक्सलेशन ए नहीं आता, एंगुलर में एक्सलेशन 2 times α θ, ये एंगुलर के लिए रेडी है इक्वेशन। जीरो से इनिशियल वेलोसिटी जीरो थी, तो ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 2α θ। अब हमें लीनियर एक्सेलरेशन चाहिए, तो लीनियर एक्सेलरेशन इसमें हम इन्वॉल्व करें, लीनियर एक्सेलरेशन इन्वॉल्व करें, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 1/2 m ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 1/2 m 2α θ, 1/2 m 2α θ, और यहाँ से हाफ ने हाफ को ख़त्म कर दिया, तो इसका मतलब m और थीटा और अल्फा, अल्फा को लीनियर से कन्वर्ट करो, सबको लीनियर, भी इज इक्वल टू होता है आर ओमेगा और ए इज इक्वल टू होता है आर अल्फा, तो इन सब की वैल्यू रखते हैं। ठीक है, इन सब की वैल्यू रखूँ अगर मैं इसमें, तो देखो मुझे क्या मिलता है, इधर मिलेगा 1/2 m ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू वी स्क्वायर ओवर आर स्क्वायर, ठीक है, इज इक्वल टू एम थीटा, और अल्फा की वैल्यू ए ओवर आर। ठीक है, तो यहाँ से मुझे दिखने लगेगा एक आर ने एक आर को ख़त्म कर दिया, तो ऊपर बचा काइनेटिक एनर्जी 1/2 m b² और डिवाइड कर दें, ठीक है, m m m थीटा, थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी यार, थीटा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट 4π, तो ये 4π m a, तो यह आ जाएगा 4π m r, एक आर यहाँ से, दैट इज़ अ लीनियर एक्सेलरेशन, ये लीनियर एक्सेलरेशन है जो कि कांस्टेंट है। ठीक है, टू मतलब थीटा की वैल्यू 4π रखने के बाद ये बता रहा है कि दो रिवोल्यूशन के बाद जो ये है वो कांस्टेंट मैग्नीट्यूड ऑफ द लीनियर एक्सेलरेशन। अब हमें कुछ नहीं करना, इसमें वैल्यू पुटअप करना है। ठीक है, तो वैल्यू पुटअप करें, काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू दी हुई है इधर, काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू दी हुई है कितनी है, काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू कितनी है 8 × 10⁻⁴ जूल, तो एक्सेलरेशन ए इज इक्वल टू आ जाएगा, एक्सेलरेशन ए इज इक्वल टू आ जाएगा 8 × 10⁻⁴ जूल डिवाइडेड बाय 4 पाई की वैल्यू 22/7, मास कितना था,
मास पार्टिकल का दिया होगा यार, मास 10 ग्राम था और रेडियस 6.4 था, मास 10 ग्राम था, 10 × 10⁻³ और रेडियस 6.4 सेंटीमीटर था, तो मीटर 10⁻²। ये सारा कैलकुलेट कर लेना है, ठीक है, ये जो हार्ड वर्क है ये तुम कर लेना। 10 ग्राम था, 10 सेंटीमीटर था, तो इसको कैलकुलेट करने के बाद, ठीक है, फाइनल जो सोल्यूशन आता है 0.1 आता है, ठीक है, 0.1 है ना एक्सप्रेशन, इतना बड़ा आंसर इतना छोटा, सी ऑप्शन सही है, ठीक है, कैलकुलेट कर लेना। नेक्स्ट चलो, ये देखो ये अच्छा सा वेरिएबल वर्क का प्रॉब्लम है, कहता है कि फोर्स लग रहा है, वेरिएबल फोर्स है, टाइम डिपेंडेंट फोर्स है, ठीक है, कहता है एक बॉडी 1 kg है और उस पर एक टाइम डिपेंडेंट फोर्स लग रहा है, एक वेरिएबल फोर्स लग रहा है जो कि टाइम का फंक्शन है, ठीक है, और पावर डिलीवर बाय द दिस फोर्स टी टाइम बाद, टी टाइम बाद ये जो फोर्स लग रहा है पार्टिकल पर वो कितना पावर डिलीवर करेगा। तो अगर मैं पावर निकालूं तो पावर का क्या होता है बेसिक इक्वेशन, वर्क डन अपॉन टाइम टी। तो मुझे टी टाइम में सबसे पहले वर्क डन निकालना पड़ेगा, ठीक है, तो वर्क डन कैसे निकालें, वर्क डन इक्वल टू होता है फोर्स मल्टीप्लाइड बाई डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, dx इस टाइप का। तो अगर मैं इसको सॉल्व करने की कोशिश करूंगा तो सबसे पहले, ठीक है, सबसे पहले मुझे फोर्स पता होना चाहिए, या एक्चुअली डिस्प्लेसमेंट के फंक्शन में नहीं, पावर, पावर निकालने के लिए देखो ये जो इक्वेशन है, पावर यहाँ से निकल यहाँ से पावर निकालेंगे, मुझे डिस्प्लेसमेंट चाहिए, लेकिन हमें इंस्टेंटेनियस पावर पूछ रहा है, तो ये एवरेज पावर देता है ना, एवरेज पावर देता है। तो इंस्टेंटेनियस पावर का एक फार्मूला होता है, आप पढ़े होंगे, फोर्स एफ डॉट बी, फोर्स एफ डॉट बी ये वाला लगेगा, ठीक है, पावर इज ए इंस्टेंटेनियस पावर इज अ डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर, फोर्स वेक्टर डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, तो वेलोसिटी वेक्टर। तो फोर्स वेक्टर ऑलरेडी यहां दिया है टी टाइम बाद, इसका मतलब ये हुआ कि टी टाइम बाद इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी निकाल लूं, डॉट कर दूं, तो मेरा प्रॉब्लम हो जाएगा। ये एवरेज पावर देता है, ये इंस्टेंटेनियस पावर देता है, ठीक है। चलो तो एक काम करते हैं, अब हमारा टारगेट है वेलोसिटी निकालना, वेलोसिटी कैसे निकलेगा फोर्स से भाई, तो जो है मास 1 kg है तो एक्सलेशन निकल जाएगा, उससे वेलोसिटी निकल जाएगा, एक्सलेशन इज इक्वल टू फोर्स अपान मास, फोर्स कितना है यहाँ पर देखो 2t आई कैप और प्लस 3t स्क्वायर जे कैप, ठीक है, और डिवाइड कर दूंगा मास से, मास कितना था 1 kg, दिस इज द एक्सलेशन, ठीक है। अब यहाँ से मुझे वेलोसिटी निकालनी पड़ेगी, तो वेलोसिटी कैसे निकालते हैं एक्सलेशन से, तो एक्सलेशन जो एक्सलेशन ए होता है उसको मैं लिख सकता हूँ dv/dt एंड दैट मस्ट बी इक्वल टू 2ti प्लस 3t स्क्वायर जे कैप, ठीक है, दिस इज, ठीक है, ये वो वेलोसिटी यहाँ से हमें पता चल जाएगा इंटीग्रेट करने के बाद, ठीक है। चलो यहाँ से हम वेलोसिटी निकाल लेते हैं, तो वेलोसिटी dv इज इक्वल टू 2t आई कैप प्लस 3t स्क्वायर जे कैप, दैट इज द dt। तो ये 2t स्क्वायर dt इतनी ही जो है वो, अब इसमें प्रॉपर लिमिट लगाएंगे, तो प्रॉपर लिमिट लगाएंगे तो क्या मिलेगा हमें, देखो जब पार्टिकल था द बॉडी ऑफ मास बिकेम अंडर द एक्शन ऑफ ए डिपेंडेंट फोर्स, व्हाट हैपेंड टू द पावर, टी टाइम बाद हमें पावर चाहिए, तो मान लो वेलोसिटी इज टाइम ऑफ फंक्शन, जब टाइम जीरो था तो वेलोसिटी मान लो जीरो था, तो टी टाइम बाद वेलोसिटी एज ए टाइम ऑफ फंक्शन चाहिए, तो वेलोसिटी एज ए टाइम ऑफ फंक्शन चाहिए, तो यहाँ से मुझे वेलोसिटी मिल जाएगी, इसको इंटीग्रेट कर दो, तो 2t स्क्वायर अपॉन 2i कैप और प्लस i कैप प्लस यहाँ से 3t की पावर 3 और ये डिवाइड 3 और j कैप, ठीक है, तो ये 2 ने 2 को और ये 3 ने 3 को यार, ठीक है, तो यहाँ से आ जाएगा 2 स्क्वायर टी स्क्वायर प्लस टी की पावर क्यू, दैट इज द जे कैप, दिस इज द वेलोसिटी। ये कौन सी वेलोसिटी है, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी है, टी टाइम बाद वेलोसिटी है, ठीक है। चलो तो अगर ये टी टाइम बाद वेलोसिटी इतना आ गया, तो अब मुझे इसको निकालना बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, ठीक है। तो एक काम करते हैं, इनका डॉट प्रोडक्ट ले देते हैं फोर्स और इन दोनों का, तो फोर्स था 2ti कैप 3t स्क्वायर और इसके साथ वेलोसिटी के साथ डॉट ले लो, तो जो पावर आ जाएगा फोर्स उधर से लाओ, फोर्स इधर आ जाएगा 2ti कैप प्लस 3t स्क्वायर जे कैप फोर्स डॉट, डॉट जो है वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी
टी स्क्वायर आई कैप प्लस टी की पावर क्यू जे कैप, टी की पावर क्यू जे कैप, इन दोनों का डॉट करोगे तो आई का आई और ये टू टू टी और ये टी की पावर क्यू प्लस थ्री टी की पावर फाइव जे कैप, ठीक है, मतलब टू टी की पावर क्यू आई कैप और थ्री टी की पावर फाइव जे कैप, दैट इज द पावर, इतना वाट डिलीवर होगा, टू टी की पावर क्यू, नहीं नहीं यार ये एक मिनट, बहुत बड़ा यहाँ गलती हो गया, यहाँ पे आई कैप जे कैप नहीं आएगा ना, डॉट प्रोडक्ट है ना भाई, ठीक है, तो डॉट प्रोडक्ट है, आई का आई और जे का जे करते हैं, ठीक है, और डॉट प्रोडक्ट जो है पावर है वो एक स्केलर मिलेगा, प्योर नंबर मिलेगा, ठीक है, तो आई कैप जो टू टी की पावर क्यू और थ्री टी की पावर फाइव, मतलब टू टी की पावर थ्री टी पावर, मतलब बी ऑप्शन सही है, ठीक है, बी ऑप्शन अपना करेक्ट है। चलो ये देखो, ये एक थ्योरेटिकल प्रॉब्लम है, इट्स वेरी वेरी इजी, ठीक है, अगर जो थोड़ा सा भी वर्टिकल सर्कुलर मोशन का प्रॉब्लम किए हैं वो इसको डायरेक्ट कर लेंगे, ठीक है, ये कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये कहता है कि मिनिमम वेलोसिटी विथ विच ए बॉडी ऑफ मास एम अंडरगो ए वर्टिकल सर्कुलर मोशन ऑफ रेडियस आर, अगर एक वर्टिकल सर्कुलर मोशन है, दिस इज द वर्टिकल सर्कुलर मोशन, अगर वर्टिकल सर्कुलर मोशन है और यहाँ से एक एम मास के बॉब को मैं कितना मिनिमम वेलोसिटी दूं जिसे जस्ट एक बार तो वर्टिकल सर्कुलर मोशन हो ही जाए, ठीक है भाई, यहाँ से अगर एक यहाँ पे आओगे, ठीक है, यहाँ पे आओगे तो यहाँ से जाएगा, अब यहाँ पे जस्ट, ठीक है, एनर्जी डिसिपेट नहीं हुई, जस्ट वर्टिकल सर्कुलर मोशन हो जाएगा, तो यहाँ पर जो मिनिमम वेलोसिटी है वो 5rg अंडर रूट के इक्वल होती है, ठीक है, जो सबको याद है यार, बी ऑप्शन सही है ना। चलो ये बच्चे बहुत ज़्यादा डाउट में इसको लाते हैं, टू पार्टिकल ए एंड बी आर मूविंग विद वेलोसिटी बी वन एंड बी टू, एक्चुअली 2015 में पेपर एक बार कैंसिल हो गया था नीट का और एक बार हुआ था, इसलिए बहुत सारा जो है प्रॉब्लम 2015 में आपको दिख रहा होगा, ठीक है, कई बार नीट के पेपर ही लीक हो गए थे, ठीक है, तो उस वजह से नीट को कैंसिल करना पड़ा था, और तो इसलिए उसमें क्वेश्चन ज़्यादा है। टू पार्टिकल ए एंड बी मूविंग विद वेलोसिटी बी वन एंड बी टू, दो पार्टिकल है उनकी वेलोसिटी अलग अलग है, दे आर मूविंग विद डिफरेंट वेलोसिटी, द इनिशियल पोजिशन वेक्टर आर वन आर टू रिस्पेक्टिवली, द कंडीशन ऑफ पार्टिकल ए एंड बी टू बी द कोलिजन। अब कोलिजन का क्या कंडीशन होता है उसको मैं अगर कैलकुलेट करूँ तो उसको कैलकुलेट करने के लिए बेसिकली देखो प्रॉब्लम को समझो, अगर ये x एक्सिस है हम लोगों का और ये हम लोगों का y एक्सिस है और यहाँ पर एक पार्टिकल है a, क्लियर है, अब इसकी जो वेलोसिटी है वो कांस्टेंट है, मान लो कांस्टेंट वेलोसिटी कहीं इधर है, ठीक है, यहाँ ये कांस्टेंट वेलोसिटी है, इधर से कहीं v1 जा रहा है, ठीक है, दूसरा वाला है मान लो किसी इंस्टेंटेनियस पॉइंट यहाँ है और उसकी वेलोसिटी इधर कहीं है, दैट इज़ द वी टू, वो भी एक कॉन्स्टेंट वेलोसिटी से दोनों जा रहे हैं, कहीं पे जाके जब मान लो टाइम टी इक्वल टू जीरो मैंने यहाँ से काउंट करना स्टार्ट किया, टी इक्वल टू जीरो हर टाइम इसका पोजीशन वेक्टर, तो टी इक्वल टू जीरो पे इसका पोजीशन वेक्टर कह रहा था यहाँ पे किसी इंस्टेंट आर वन है और यहाँ पर किसी इंस्टेंट पोजीशन वेक्टर आर टू है, तो जब ये दोनों कोलिजन करेंगे तो कोलिजन करने के बाद यहाँ पे मान लो दोनों का कोलिजन हो गया, तो कोलिजन के बाद इनकी जो पोजीशन वेक्टर है वो आर हो गई, वो तो कॉमन हो जाएगा ना भाई, पोजीशन वेक्टर कॉमन हो जाएगा, देखो ये कह रहा टू पार्टिकल मूविंग विद कांस्टेंट वेलोसिटी इनिशियल मोमेंटम इनिशियल पोजीशन वेक्टर, इनिशियल मतलब होता है टी इक्वल टू जीरो पर, मान लो यहाँ पर जब थे टाइम टी इक्वल टू जीरो, तो यहाँ से ये लाइन ऑफ मोशन है, अब जब ये कोलिजन किए तो उनका पोजीशन वेक्टर सेम हो गया, तो हमें इसमें से कंडीशन निकालना, कोलिजन का कंडीशन, तो अब यही चीज़ हमें काम आएगा, जो कॉमन वाली चीज़ है वही हम इन दोनों में कॉमन है आर कोलिजन के बाद, ठीक है, तो चलो इसको निकालते हैं। अब देखो टी टाइम बाद कोलिजन हुआ तो ये वाला वेक्टर अगर देखोगे तो कितना हो जाएगा ए वेक्टर, ठीक है, ये जो वेक्टर है वो कितना हो जाएगा टी टाइम बाद वी वन टी, किसी को दिक्कत नहीं, और कोलिज ये उतना ही टाइम में टी, ये वाला वेक्टर कितना हो जाएगा v2t,
B2T और ये B1T, क्लियर है ना। अब ट्रायंगल रूल लगा दो, ट्रायंगल रूल लगा दो, इस यहाँ एक छोटे दो छोटे छोटे ट्रायंगल बने हैं, एक ऊपर वाला एक नीचे वाला, तो इस वाले ट्रायंगल में आ जाओ, तो ट्रायंगल रूल लगाओगे तो R1 प्लस V1T वेक्टर R1 प्लस V1T पोजिशन वेक्टर R, क्लियर है। एंड दूसरे वाले ट्रायंगल से घूम के आओगे तो R इज इक्वल टू R2 प्लस V2T, ये तो ये आ जाएगा R2 प्लस V2T, ये यहाँ से हम लोगों को आ जाएगा पोजीशन वेक्टर R। अब यहीं से हमें कंडीशन इधर का निकालना है, चलो तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ से R1 माइनस R2 निकालते हैं, R1 माइनस R2 जो वेक्टर आ जाएगा, वो मुझे मिलेगा V2 माइनस V1 वेक्टर और मल्टीप्लाइड बाई टाइम टी। तो ये आ गया इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब अगर यहाँ से टाइम निकालोगे तो टाइम की जो वैल्यू आ जाएगी, R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर और डिवाइडेड बाई V2 वेक्टर माइनस V1 वेक्टर, ये दैट इज द टाइम टी। लेकिन टाइम क्या कभी वेक्टर में होगा क्या? नहीं यार, टाइम इज एक स्केलर है, ठीक है, और स्केलर है इसलिए मैं इसको मॉड लगा दूंगा, दिस इज द वाई, ये वो टाइम है टी टाइम बाद जब कोलिजन हुआ होगा, ठीक है, और इसमें मुझे मॉड लगाना जरूरी है बिकॉज टाइम एक स्केलर है और वैसे भी वेक्टर में वेक्टर से डिवाइड नहीं कर सकते यार, ठीक है। चलो तो ये वैल्यू ले जाके अब इसमें से कंडीशन अभी हमें और सॉल्व करना पड़ेगा, कंडीशन निकालने के लिए ये ऑप्शन को देख के चेक करो क्या किया जाए। हाँ, अगर ये वाला उठा के मैं इसमें रख देता हूँ तो मुझे सारे इन्वॉल्व हो जाएंगे, मॉड इन्वॉल्व हो जाएगा, ये जो यहाँ से हम निकाल के लेके आए हैं इसको यहाँ पे रख देते हैं, तो यहाँ से आ जाएगा R1 माइनस R2 वेक्टर, ठीक है, और डिवाइडेड बाई टाइम की वैल्यू डाल दें, R1 माइनस R2 मॉड डिवाइडेड बाई V2 माइनस V1 मॉड एंड मल्टीप्लाइड बाई V2 माइनस V1 वेक्टर, ठीक है। अब मुझे R1 माइनस R2 वेक्टर और डिवाइडेड बाई R1 माइनस R2 मॉड, ठीक है, इज इक्वल टू V2 माइनस V1 वेक्टर, ठीक है, और डिवाइडेड बाई V2 माइनस V1 मॉड, ठीक है। तो इन दोनों के मैग्नीट्यूड से हमने डिवाइड कर दिया, क्लियर है, तो फाइनली मुझे मिल जाएगा सी ऑप्शन सही है, द सी वन इज द करेक्ट, क्लियर है। चलो ये देखो यहां पर एक प्रॉब्लम है, ये बेसिकली क्या है कि है तो ये वर्क एनर्जी पावर में आया है बट ये फ्लूइड के कॉन्सेप्ट से मिलके बना हुआ है, तो वीडियो पॉज करो और सॉल्व करने की कोशिश करो। इस प्रॉब्लम को करने के लिए आपको थोड़ा सा फ्लूइड के कॉन्सेप्ट इन्वॉल्व होगा, हार्ट है, हार्ट ऑफ ए मैन, ठीक है, दिल है, तो आदमी का दिल ब्लड पंप कर रहा है, ठीक है, इस टाइप का मान लो आर्टरीज है, इस टाइप में ब्लड फ्लो हो रहा है, ठीक है, और ये तो इस तरह के पाइप में ब्लड फ्लो हो रहा पर मिनट जो है वो 1.5 मिलीमीटर जो है प्रेशर है, ठीक है, 1.5 मिलीमीटर अब मर्क्यूरी का प्रेशर है। अब डेंसिटी अब मर्क्यूरी दी हुआ है तो पावर हार्ट मतलब अगर किसी आदमी का हार्ट है वो 5 लीटर ब्लड पंप कर रहा है, ठीक है, एक मिनट में, तो उस आदमी की जो हार्ट है उसका पावर कितना होगा, ठीक है। तो हमें पावर निकालने के लिए अब मुझे पावर अगर निकालूं तो पावर इज इक्वल टू एवरेज पावर वर्क डिवाइडेड बाई टाइम टी, यही तो होता है वर्क डिवाइडेड बाई टाइम टी, और वर्क होता है फोर्स मल्टीप्लाइड बाई डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाई टाइम टी। या अब यहाँ जो फोर्स होता है वो बेसिकली फोर्स को मैं लिख सकता हूँ फोर्स दैट इज प्रेशर मल्टीप्लाइड बाई फोर्स इज इक्वल टू प्रेशर मल्टीप्लाइड बाई एरिया। तो प्रेशर अगर मल्टीप्लाइड बाई एरिया में फोर्स लिखूँ तो प्रेशर मल्टीप्लाइड बाई एरिया और डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाई टाइम टी, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि प्रेशर, अब आपको ये बात समझना पड़ेगा कि प्रेशर जो होती है वो फिजिक्स में प्रेशर और एरिया क्रॉस सेक्शन मल्टीप्लाइड बाई डिस्प्लेसमेंट टाइम टी। अगर कोई ट्यूब है, दिस इज द हार्ट ऑफ द मैन, ये ट्यूब है, इसका एरिया क्रॉस सेक्शन ये है और डिस्प्लेसमेंट है, तो एरिया क्रॉस सेक्शन और डिस्प्लेसमेंट
एस का जो मल्टीप्लीकेशन होता है वो क्या होता है, वॉल्यूम होता है, ठीक है। तो ये वॉल्यूम होता है, तो प्रेशर मल्टीप्लाइड बाई वॉल्यूम ऑफ द पंप डिवाइडेड बाई टाइम टी, ठीक है। तो ये हमें आ गया प्रेशर और वॉल्यूम, और ये टी के इक्वल आ गया बेसिकली, ठीक है। तो अब हमें प्रेशर, वॉल्यूम और टाइम की वैल्यू रखना पड़ेगा, तब जाके हमें उस पावर आएगा हार्ट का। ये जो पी है वो प्रेशर के लिए है, पावर के लिए है। चलो तो इसमें वैल्यू रखते हैं। तो जब फ्लूइड होती है, आप अगर बेसिक आप फ्लूइड पढ़े होगे 9-10 में, या अभी आगे पढ़ोगे या ड्रॉपर हो तो आप पढ़े होगे कि अगर फ्लूइड है तो ये, जैसे ये मान लो ये ब्लड है, ठीक है, दिस इज द ब्लड, हार्ट है, तो ये एच हाइट तक, एच हाइट इस फ्लूइड की वजह से बेस पे जो प्रेशर होता है, प्रेशर दैट इज प्रेशर रो जी एच के इक्वल होता है यार, ठीक है, बराबर है सबको। तो रो जी एच के इक्वल है, तो ये रो जी एच के इक्वल है, इसका मतलब ये हुआ कि रो जी एच मल्टीप्लाइड बाई वॉल्यूम डिवाइडेड बाई टाइम टी। अब रो क्या है, डेंसिटी, ठीक है, और जी और एच, तो डेंसिटी कितनी है, अब द डेंसिटी ऑफ मरकरी 16.9 प्रेशर, ये जो प्रेशर है वो डेंसिटी, ये सारी वैल्यू ले जाके रखोगे वहाँ, एंड द प्रेशर ऑफ 1.5 मिलीमीटर ऑफ मरकरी, जो मरकरी का ट्यूब है उससे प्रेशर कंपेयर कर रहा हार्ट का, ठीक है ना। तो ये जो 1.5 मिलीमीटर हाइट ऑफ मरकरी है, तो 1. अब इसको वैल्यू रखना पड़ेगा हमको, रो जी एच वॉल्यूम टी टाइम टी। यहाँ से मैं एक बार यहाँ पे आपको वैल्यू सारा रख के दिखाता हूँ। चलो तो पावर इज इक्वल टू रो जी एच वॉल्यूम टाइम टी, ठीक है। अब रो क्या है, डेंसिटी, डेंसिटी मरकरी यूज हो रही थी 13.6, अरे समझ रहे हो ना, मरकरी की यूज हो रहा है, वो प्रेशर कंपेयर कर रहा है हार्ट का मरकरी से, 13.6 इंटू 10 की पावर 3, ठीक है। जी की वैल्यू आपको 10 लेना है, हाइट कितना मरकरी कलम का 1.5 मिलीमीटर है, मिलीमीटर है तो मीटर में कन्वर्ट करोगे तो 1.15 आ जाएगा, अगेन मल्टीप्लाइड बाई वॉल्यूम, वॉल्यूम कितना है 5 लीटर, 5 लीटर को मीटर एसआई यूनिट में सॉल्व कर रहे हैं ना, तो 5 लीटर को मीटर में कन्वर्ट करोगे तो 5 × 10 की पावर -3, और डिवाइडेड बाई टाइम, टाइम कितना है भैया 1 मिनट, 1 मिनट इज इक्वल टू 60 सेकेंड। ये आपको याद रखना है कि 1 लीटर इज इक्वल टू 10 की पावर -3 मीटर क्यूब, ठीक है। ये अब पूरा ये जो हार्ड वर्क है पूरा अगर सॉल्व करोगे, समझाने को तो मैं समझा दिया, पूरा अगर सॉल्व करोगे इसको काटो ओटो, ठीक है, तो देखो ये कितना आता है भाई, तो पूरा सॉल्व और एक काट कूट लो ये, तो फाइनल सोल्यूशन इसका आ जाएगा 1.7 वाट आता है, 1.70, ठीक है। तो पावर इज इक्वल टू 1.70 वाट, ये इसके इक्वल आ जाएगा, ठीक है, क्लियर है, 1.70 वाट इक्वल, दिस इज द सी ऑप्शन सही। आई होप कि ये समझ में आ गया होगा, ये बच्चे डाउट में अक्सर ये क्वेश्चन लेके आते हैं, इसके पीछे रीजन ये है कि यार उनको थोड़ा सा यहाँ प्रेशर वेसर लिखने में दिक्कत होती है, ठीक है। चलो कहता है बॉल थ्रोन वर्टिकली डाउनवर्ड फ्रॉम द हाइट 20 मीटर। अब क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ो और सॉल्व करने की कोशिश करो कि यच हाइट से मैंने एक बॉल गिराया, यार देखो यच हाइट से अगर मैं बॉल गिराता हूँ, ये हाइट, दिस इज द हाइट, यच हाइट, और यच हाइट, इस हाइट की वैल्यू दी है 20 मीटर, ऑलरेडी दिया हुआ, दिस हाइट इज 20 मीटर। अगर ड्रॉप हुआ है तो इनिशियल वेलोसिटी, ये हाइट थ्रो हुआ है, ड्रॉप नहीं हुआ, थ्रो हुआ है विद वेलोसिटी वी नॉट, चलो कोई बात नहीं, ठीक है, तो थ्रो हुआ है, यहाँ से हमने वेलोसिटी वी नॉट से थ्रो किया, और इट कोलाइड विद ग्राउंड, ग्राउंड से कोलिजन किया है, ठीक है, मान लो वी वेलोसिटी से यहाँ से आके ग्राउंड से कोलिजन किया, जो कि दिया नहीं है, ठीक है, एंड 50% एनर्जी लूज इन कोलिजन। अब देखो जब मैंने एक बॉल को नीचे फेंका, फेंकने के बाद ग्राउंड से कोलिजन किया, और कोलिजन में अपनी कुछ एनर्जी लूज कर दिया, इलास्टिक कोलिजन नहीं है भाई, ठीक है, एनर्जी लूज, ठीक है, लॉस हो गया उस कोलिजन में, कितना, यहाँ जितनी काइनेटिक एनर्जी की 50%, अब जो एनर्जी बच गई पहले से, कोलिजन से पहले जो एनर्जी थी और कोलिजन के बाद एनर्जी कम हो गई, 50% कम हो गई, तो वो बाउंस करेगा, तो हाइट तो ठीक है, और बाउंड टू द सेम हाइट, हाँ, और इंटरेस्टिंग बात है जब बाउंड किया तो वो सेम हाइट तक गया, क्योंकि यहाँ एक्स्ट्रा काइनेटिक एनर्जी दिया गया था,
समझ रहे हो? जैसे मान लो अगर यहाँ से आप ड्रॉप करते हो, और अगर ड्रॉप करते हो फिर अगर 50% काइनेटिक एनर्जी लॉस होती है, तब ये सेम हाइट कभी नहीं अटेंड करेगा भाई, भाई पोटेंशियल एनर्जी। लेकिन ये जो एक्स्ट्रा आपने एनर्जी इसको दिया था उसमें से कुछ एनर्जी लॉस हो गई तो ये एच हाइट तक चला गया, ठीक है ना। अगर आप ड्रॉप करते तो एच हाइट तक कभी नहीं जाता, ठीक है। तो अगर एच हाइट तक जाता फिर इलास्टिक कोलिजन हो जाता, कोई एनर्जी लॉस ही नहीं होती। तो सबसे पहले समझो ये एच हाइट तक, सेम हाइट तक बाउंस किया। अब समझना, यहाँ पर जब आया तो उसके पास कुछ काइनेटिक एनर्जी थी, ठीक है। इसका जो 50% है वो लेके अब ऊपर यहाँ जाएगा, मतलब यहाँ पर जो इसकी काइनेटिक एनर्जी है, काइनेटिक एनर्जी के ई डैश, वो है 50% ऑफ कोलिजन। काइनेटिक एनर्जी जितने से कोलिजन किया, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो 50% एनर्जी है वही पोटेंशियल एनर्जी एमजीएच में कन्वर्ट हुआ। तो सबसे पहले यहाँ कितनी काइनेटिक एनर्जी थी उसको निकाल लेते हैं, ठीक है। उसको निकालने के लिए हमें वेलोसिटी चाहिए। चलो थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन लगा देते हैं, यहाँ से लेके यहाँ तक मैं थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन लगा दूँ। थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन लगाओ, बी ए स्क्वायर माइनस सी ए स्क्वायर इक्वल टू टू एस, बी ए स्क्वायर माइनस सी ए स्क्वायर इक्वल टू टू ए एस, ठीक है, क्लियर है। तो वी फाइनल वेलोसिटी तो हमें चाहिए भाई, इनिशियल वेलोसिटी वी नॉट का स्क्वायर और टू और ये जी, और हाइट कितना हो गया यार 20। तो इसका मतलब ये हुआ, चलो वैल्यू बाद में रख देंगे, ठीक है, वैल्यू वगैरह बाद में रख देंगे। तो फाइनल वेलोसिटी वी स्क्वायर माइनस वी नॉट स्क्वायर इज इक्वल टू ये आ जाएगा टू जी एच, ठीक है। चलो वैल्यू बाद में रख देंगे। दिस इज द इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ठीक है, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन जब हमने यहाँ से यहाँ लगा। अब यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी लिखो, तो यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी लिखोगे तो यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी कितनी आ जाएगी, हाफ एम वी स्क्वायर, ठीक है, ये हाफ एम वी स्क्वायर, ठीक है। अब ये जो काइनेटिक एनर्जी था इसका 50% ही पोटेंशियल एनर्जी एमजीएच में कन्वर्ट हुआ, ठीक है। तो इस एनर्जी का 50% मतलब ये जो पोटेंशियल एनर्जी, एनर्जी कंजर्वेशन से एमजीएच है, ये जो पोटेंशियल एनर्जी एमजीएच है वो 50% ऑफ दिस काइनेटिक एनर्जी, मतलब 50% ऑफ दिस काइनेटिक एनर्जी। तो 50% ऑफ दिस काइनेटिक एनर्जी, तो 50/100 और ये काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी हाफ एम वी स्क्वायर, ठीक है। तो ये आ जाएगा एम जी एच, क्लियर है। तो ये एम ने एम को और एक जीरो ने एक जीरो को ख़त्म कर दिया, ठीक है। तो ये आ जाएगा ये टू टाइम्स, मतलब ये आ जाएगा 4GH, दैट इज द वी स्क्वायर, इक्वेशन नंबर टू इसका नाम दे दो, ठीक है। ये यहाँ वो वेलोसिटी है जितने से हिट किया था, मैंने यहाँ पे एनर्जी कंजर्व करा दिया, ठीक है। चलो अब हमें क्या चाहिए था, हमें चाहिए था वी नॉट वैल्यू निकालनी। अब इस वी स्क्वायर को यहाँ पर मैं रख दूँ तो मुझे वी नॉट दिखने लगेगा, वी स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ जाएगी 4GH, ठीक है। तो यहाँ पर अगर मैं 4GH रख दूँ, वी स्क्वायर 4GH और माइनस वी नॉट का स्क्वायर इज इक्वल टू 2GH, ठीक है। तो वी नॉट स्क्वायर जो आ जाएगा वो आ जाएगा वी नॉट स्क्वायर माइनस माइनस टू, मतलब 2GH अंडर रूट, और 2 की वैल्यू 2, t की वैल्यू 10 और हाइट 20, ठीक है, मतलब 400, दैट इज इक्वल टू 20 मीटर पर सेकेंड। दिस इज बेसिकली व्हाट, दिस इज इनिशियल वेलोसिटी, वो इतने से थ्रो हुआ था, ठीक है। चलो रे भाई, तो 20 है, एक ऑप्शन तो है भाई, ये वाला डी ऑप्शन सही है ना, आगे समझ में। चलो नेक्स्ट, ये कहता है सॉल्व करो, देखो वीडियो पॉज करो और सॉल्व करो। ये बेसिकली क्या है, ये तो कोलिजन का क्वेश्चन है, कहता है कि फ्रिक्शनलेस सरफेस है, एक ब्लॉक है या मास का मूविंग विद स्पीड वी कोलाइड इलास्टिकली विद अनदर ब्लॉक ऑफ मास एम व्हिच इज इनिशियली एट रेस्ट। क्वेश्चन को समझना, ठीक है, बेसिकली जो क्वेश्चन है अगर ढंग से आप समझ जाते हैं तो आपके बहुत सारे प्रॉब्लम वहीं रिड्यूस हो जाते हैं फिजिक्स में। कभी कभी तो क्वेश्चन ही नहीं समझ में आ रहा यार, कभी कभी तो क्वेश्चन ही नहीं समझ में आता है। अरे कह क्या रहा है भाई, कहना क्या चाहते हो, समझ में नहीं आ रहा है, ठीक है। तो ये फ्रिक्शनलेस
होता है ना कभी कभी, सीधी सीधी बात को घुमा फिरा के कहना, जैसे मूवी देख रहे हो ना थ्री इडियट, बुक मांगने आता है वो, ठीक है, प्रोफेसर उसको निकाल देता है, तो बुक मांगने आता है, बुक का वो कॉम्प्लेक्स डेफिनेशन बताता है, ठीक है, और जो प्रोफेसर होता है उसका सॉफ्टवेयर हैंग कर जाता है, ठीक है भाई, जब ऐसा डेटा कभी सुने ही नहीं, किसी भी चीज़ को घुमा फिरा के कह दोगे तो हो सकता है नॉर्मल आदमी समझ नहीं पाए ना, ए फ्रिक्शनलेस सरफेस ऑफ मास एम मूविंग विद वेलोसिटी वी। चलो एक ब्लॉक है, मास एम है, और ये वी वेलोसिटी से मूव कर रहा है, ठीक है, अनदर ब्लॉक आप सेम मास है, और वो ये सेम मास है लेकिन ये रेस्ट में था। इनिशियल आफ्टर कोलिजन द फर्स्ट ब्लॉक मूव एट थीटा डिग्री टू द इनिशियल डायरेक्शन एंड स्पीड वी बाई थ्री, ठीक है, सेकेंड ब्लॉक किधर जा रहा, कितनी स्पीड से जा रहा है, और कोलिजन इलास्टिकली है ऐसा बताया जा रहा है। आफ्टर कोलिजन द फर्स्ट ब्लॉक मूव एट स्पीड आफ्टर फ्लेक्शन ए सरफेस ऑफ मास, इलास्टिक कोलिजन, चलो इलास्टिक कोलिजन, जब यहाँ कोलिजन हुआ, समझना, जब यहाँ कोलिजन हुआ ये दोनों ब्लॉक थे, अब इन दोनों ब्लॉक में जब कोलिजन हुआ तो कोलिजन के बाद जो है, कोलिजन के बाद जो पहला वाला जो ब्लॉक है, ठीक है, पहला वाला जो ब्लॉक है इनिशियल डायरेक्शन से, इनिशियल डायरेक्शन से वो थीटा डिग्री पे जाने लगा, ठीक है, इनिशियल डायरेक्शन से वी बाई थ्री पे जाने लगा, और दिस इज द इनिशियल डायरेक्शन ये है, और ये थीटा डिग्री पर जाने लगा, क्लियर है। अब जो दूसरा वाला वो किधर जा रहा है, क्या आप बता सकते हो कि दूसरा वाला कॉमन सेंस से किधर जा रहा होगा, क्या दूसरा वाला ब्लॉक कभी इधर जा सकता है, मैं आपको समझाने के लिए कर रहा हूँ, पहला वाला इधर जा रहा है तो दूसरा वाला कभी इधर जा सकता है, इम्पॉसिबल भाई, इम्पॉसिबल, ठीक है, क्योंकि मोमेंटम कंजर्व रहना चाहिए, मोमेंटम नेट मोमेंटम पॉजिटिव एक्स एक्सिस में था, तो कोलिजन के बाद भी नेट मोमेंटम पॉजिटिव एक्स एक्सिस में रहेगा, तो दूसरा वाला जो ब्लॉक है, दूसरा वाला जो ब्लॉक है वो क्या ये इधर ही, यहां से इधर ही कहीं जा रहा होगा, इधर या इधर इस रीजन में होगा, हमें नहीं पता है। अब जो हमें पता ही नहीं तो हम मान लेते हैं कि इधर ही कहीं जा रहा, अल्फा डिग्री पर, ठीक है, अब उसकी स्पीड निकालनी है, ठीक है, वो इधर नहीं आ सकता, अब स्पीड निकालनी, इस क्वेश्चन को करने के दो तरीके हैं, जो सबसे आसान तरीका है कोलिजन इलास्टिकली है, एनर्जी कंजर्व करा दो, अदरवाइज ऐसे क्वेश्चन को हम कितनी बार और एनर्जी पावर में किए हैं और लॉज ऑफ मोशन में भी किए हैं, इस ये अल्फा डिग्री का जो अल्फा डिग्री पर है इसकी वेलोसिटी के दो कंपोनेंट कर दो, थीटा डिग्री पे वेलोसिटी के दो कंपोनेंट कर दो, ठीक है, फिर एक्स एक्सिस वाई एक्सिस में मोमेंटम कंजर्व करा दो और फिर सॉल्व कर लो, है ना, तो वो दैट प्रोसेस इज वेरी लेंदी यार। तो आसान तरीका है इसको करने का, सबसे आसान तरीका कोलिजन इलास्टिकली है तो मैं काइनेटिक एनर्जी कंजर्व करा दूँ, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी कंजर्व रहती है तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी कितनी आ जाएगी, हाफ एम वी स्क्वायर और इसकी चली गई जीरो, और एक की काइनेटिक एनर्जी हाफ एम और बी स्क्वायर अपन नाइन, ठीक है, और प्लस हाफ, दोनों का मास सेम है, एम बी डैश जा रहा था, बी डैश स्क्वायर, एक लाइन में सोल्यूशन हो जाएगा बी बाई थ्री। अब जो मोमेंटम कंजर्व कराएंगे वो थोड़ा प्रोसेस उनका लंबा चला जाएगा और वो थोड़ा स्ट्रगल करेंगे, तो हाफ ने हाफ को, एम ने एम को, ठीक है, तो वी वी स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर अपन नाइन एंड दैट इज वी डैश स्क्वायर, मतलब वी डैश की जो वैल्यू आ जाएगी वो एट भी, मतलब एट का टू रूट टू और अपन थ्री, दिस इज द फाइनल सोलूशन, ठीक है, वी रूट टू वी बाई थ्री, ठीक है कोई, हाँ थर्ड ऑप्शन सही है, सी ऑप्शन, ठीक है, इसी को मोमेंट तुम करके देखना, देखना कितना मुश्किल है, थोड़ा सा प्रोसेस लंबा चला जाएगा, मुश्किल नहीं, ठीक है। चलो एक पार्टिकल है मास एम का, वो मूव कांस्टेंट पावर डिलीवर करता है, चलो अगर एक पार्टिकल है एम मास का कांस्टेंट पावर डिलीवर करता है के वाट का, अगर रेस्ट से स्टार्ट करता है तो टी टाइम बाद पार्टिकल स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट, द फोर्स एक्टिंग, फोर्स एज ए टाइम ऑफ फंक्शन, फोर्स टाइम डिपेंडेंट है, तो उसमें से कौन सा होगा, पहले ये जो क्वेश्चन है वो बेसिकली मैं थियरी में तो इसको करवा ही देता हूँ, तो ये कई बार आया हुआ है, अगर एक पार्टिकल है जिसका मास m है, समझना,
और डिराइव बाय मशीन कांस्टेंट पावर, इस पे कांस्टेंट पावर पी लग रहा है जो कि के से रिप्रेजेंट किया है। इफ द पार्टिकल स्टार्ट फ्रॉम द रेस्ट, जीरो से स्टार्ट हुआ है तो टी टाइम बाद टाइम टी बीत चुका होगा तो उस पे फोर्स की, देन फोर्स एक्टिंग ऑन द पार्टिकल टी टाइम बाद। अगर टी टाइम बाद मुझे फोर्स निकालना है तो मैं कैसे निकालूंगा, टी टाइम बाद अगर मैं फोर्स निकालूंगा तो मास मल्टीप्लाइड बाय एक्सेलरेशन, टी टाइम बाद मुझे एक्सेलरेशन निकालना पड़ेगा और एक्सेलरेशन कैसे निकालूंगा जब तक वेलोसिटी नहीं पता चलेगी क्योंकि वेरिएबल है ना यार, ठीक है। तो चलो, तो अब पावर दिया है, कांस्टेंट पावर है तो पावर इज इक्वल टू जो एवरेज पावर होता है दैट इज वर्क डिवाइडेड बाय वर्क डिवाइडेड बाय टाइम टी। अब अगर काइनेटिक एनर्जी जीरो है और यहाँ पर वेलोसिटी वी है, टी टाइम बाद वेलोसिटी वी है तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी कितना है, हाफ एम बी स्क्वायर। तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, तो इसको मैं वर्क को लिख सकता हूँ, वर्क इज इक्वल टू पावर मल्टीप्लाइड बाय टाइम टी और वर्क डन इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ एम बी स्क्वायर दैट इज पावर पी टी। तो यहाँ से जो वेलोसिटी एज ए फंक्शन ऑफ टाइम आ जाएगा, वेलोसिटी भी इज इक्वल टू आ जाएगा पी टी टू एम अंडर रूट, पी टी टू एम अंडर रूट, दिस इज द वेलोसिटी टाइम डिपेंडेंट, टू पी टी टू पी टी डिवाइडेड बाई एम, क्लियर है। तो ये जो वेलोसिटी है वो बेसिकली टाइम डिपेंडेंट वेलोसिटी आ गई, क्लियर है। अगर ये टाइम डिपेंडेंट वेलोसिटी आ गई, मुझे मिल गई, तो अब मुझे एक्सेलरेशन मिलने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, ठीक है, क्योंकि एक्सेलरेशन इज इक्वल टू होता है, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू होता है, वो होता है डी बी बाई डी टी। इसको एक बार डिफ्रेंशिएट कर दें, डी बाई डी टी, चलो एक बार इसको डिफ्रेंशिएट कर दिया जाए तो टू पी अपान एम कॉन्स्टेंट है और टी रूट है, तो टी रूट का डिफरेंशिएशन क्या होगा यार, तो एक्सेलरेशन जो आ जाएगा, एक्सेलरेशन आ जाएगा वो टू पी अपान एम और रूट टी, हाँ रूट टी का डिफरेंशिएशन तो वन बाई टू सामने आ जाएगा और वन बाई टू माइनस वन, मतलब माइनस वन बाई टू, मतलब एक्सेलरेशन जो आ जाएगा वो वन बाई टू और टू पी अपान एम अंडर रूट और साथ साथ और टी की पावर अंडर रूट, मतलब ये आ जाएगा एक्सेलरेशन इज इक्वल टू, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू, इसको अंदर घुसा दोगे, इसको अंदर ले जाओ, ठीक है, तो पी अपान टू एम अंडर रूट और टी माइनस वन बाई टू, दिस इज द एक्सेलरेशन। अब एक्सेलरेशन इसमें मास से मल्टीप्लाई कर दो तो फोर्स आ जाएगा, तो फोर्स मास से मल्टीप्लाई कर दो तो मास से मल्टीप्लाई कर दोगे तो फोर्स इज इक्वल टू मास से मल्टीप्लाई कर दो अंदर ले जाओगे तो एम के पावर को पी लिखा है डिवाइडेड बाई टू अंडर रूट और टाइम टी की पावर माइनस वन बाई टू, दैट इज द टाइम डिपेंडेंट फोर्स, ठीक है। तो इस क्वेश्चन से हमने क्या सीखा, इट वेरी इंपॉर्टेंट कि अगर पावर कॉन्स्टेंट है तो वेलोसिटी कैसे निकालोगे, ठीक है, और अगर वेलोसिटी से तो एक्सेलरेशन कैसे निकालोगे। अब वेलोसिटी टाइम डिपेंडेंट है तो पोजीशन भी टाइम डिपेंडेंट है, अगर पोजीशन निकालना होता, ठीक है भाई, पोजीशन निकालना होता तो इसको क्या लिखता मैं, अगेन वेलोसिटी को लिखता डी एक्स ओवर डी टी और इसको एक बार इंटीग्रेट करता, ठीक है। तो यहाँ से पोजीशन एज ए टाइम डिपेंडेंट, वेलोसिटी एज ए टाइम डिपेंडेंट, एक्सेलरेशन एज ए टाइम डिपेंडेंट, फोर्स इज ए टाइम डिपेंडेंट, ठीक है। चलो रे भैया, चलो ये एक क्वेश्चन देखो, एक अच्छा सा क्वेश्चन इसको करते हैं। एक ब्लॉक है 10 केजी का, मूविंग एक्स एक्सिस विद कांस्टेंट स्पीड, अगर ब्लॉक है उसकी स्पीड कांस्टेंट है, ठीक है, सब्जेक्टेड टू अ रिटार्डिंग फोर्स 0.1 रिटार्डिंग और वेरिएबल फोर्स है, वेरिएबल पोजिशन डिपेंडेंट फोर्स है, तो एक्स इज इक्वल टू 0 टू 20 मीटर तक मूव करने में फाइनल काइनेटिक एनर्जी कितना होगा, समझना। तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी, तो इनिशियल जब एक ब्लॉक है, यहाँ पर समझना, एक ब्लॉक है यहाँ से था, क्वेश्चन में कह रहा है कि एक्स इज इक्वल टू यहाँ 20 मीटर है और स्पीड इसकी कॉन्स्टेंट है 20 इसकी स्पीड, यहाँ पे स्पीड 10 मीटर पर सेकेंड है, ठीक है, यहाँ पर, और यहाँ पे जो डिस्प्लेसमेंट है वो 20 मीटर है, तो 20 से आगे गया 30 हो गया, ठीक है, ये 30 मीटर हो गया, इसका मतलब ये वाला जो डिस्टेंस है वो डिस्प्लेसमेंट 10 मीटर हो गया, ठीक है, समझना। तो यहाँ पे ये काइनेटिक एनर्जी इनिशियल तो हमें पता चल जाएगा क्योंकि इसकी स्पीड 10 मीटर पर सेकंड है, लेकिन यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी वो हमें नहीं पता है और हमें उसी को कैलकुलेट करना भाई।
चलो तो कैसे कैलकुलेट किया जाए, वर्क एनर्जी थ्योरम लगा दिया जाए, इनिशियल चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू वर्क डन बाय द रिटार्डिंग फोर्स। तो अगर मैं यहाँ पे वर्क एनर्जी थ्योरम लगाता हूँ, चलो तो वर्क एनर्जी का थ्योरम लगाता हूँ, तो वर्क डन बाय द ऑल द फोर्सेज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, एक ही रिटार्डिंग फोर्स है तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी फाइनल और माइनस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल। हम लोगों को क्या चाहिए, काइनेटिक एनर्जी फाइनल चाहिए। इसका मतलब हमें वर्क डन निकालना पड़ेगा और इनिशियल काइनेटिक एनर्जी यहाँ से पता चल जाएगा। तो वर्क डन निकालते हैं सबसे पहले, ये जो रिटार्डिंग फोर्स लगा वो कितना वर्क किया उसको हमें कैलकुलेट कर लेते हैं, ठीक है। चलो तो ये जो रिटार्डिंग फोर्स है वर्क डन क्या होता है वेरिएबल फोर्स का एफ डॉट डी एक्स, और रिटार्डिंग फोर्स है भाई तो डिस्प्लेसमेंट आगे हो रहा होगा, फोर्स इधर लग रहा होगा, तो माइनस एफ डी एक्स और इंटीग्रेशन x इज इक्वल टू 20 टू 30 लिमिट आ जाएगा। फोर्स की वैल्यू रख दो माइनस, फोर्स की वैल्यू 0.1 x dx और x इज इक्वल टू 20 से x इज इक्वल टू 30 में कितना वर्क डन हुआ। तो जब मैं इसको कैलकुलेट करूँगा तो कितना आएगा, देखो कैलकुलेट करो, तो ये माइनस 0.1 और ये माइनस 0.1 और x का इंटीग्रेशन x स्क्वायर बाई 2, तो x स्क्वायर बाई 2, तो x स्क्वायर मतलब 30 का स्क्वायर एक स्टेप और कर दो, 30 का स्क्वायर और 20 का स्क्वायर, ठीक है 20 का स्क्वायर। तो इसका मतलब ये हुआ कि फाइनली जो मुझे मिला वो 0.1 डिवाइडेड बाई 2 और 900 और 400 500, ठीक है। तो 900 400 500 पॉइंट ने पॉइंट को ये पॉइंट ख़त्म कर दिया और 900 500 हाँ 2x स्क्वायर, तो ये आ जाएगा 25 माइनस 25 जूल, ठीक है। दिस इज द नेगेटिव वर्क डन बाय द रेजिस्टिव फोर्स, जो अपोजिशन फोर्स है वो माइनस 25 जूल वर्क किया, तो ये आ जाएगा। अब हमें इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, अब इनिशियल काइनेटिक एनर्जी लिख दो इसका, तो कितना आएगा भैया इसका इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, तो काइनेटिक एनर्जी इनिशियल कितनी आ जाएगी बोलो, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू क्या होता है हाफ एम बी स्क्वायर, तो हाफ एम बी स्क्वायर इज इक्वल टू हाफ, मास की वैल्यू कितनी है बोलो, तो मास कितना है, मास कितना भैया 10 kg है, वेलोसिटी भी 10 ही है, ठीक है। तो ये 10 और वेलोसिटी 10 का स्क्वायर, ठीक है 10 का स्क्वायर, तो ये आ जाएगा 50, मतलब 500 जूल दैट इज ए इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। अब सिंपल सी बात है कि इनिशियल काइनेटिक एनर्जी 500 जूल है और रिटार्डिंग फोर्स काम कर रहा है, ठीक है, तो काइनेटिक एनर्जी इसको डिक्रीज हुई होगी, मतलब 500 से कम ही सोल्यूशन होगा, सारे 500 से कम है, तो इसको यहाँ पर रख दो, तो माइनस 25 जूल वर्क डन और काइनेटिक एनर्जी फाइनल तो हमें चाहिए चाहिए, और इनिशियल काइनेटिक एनर्जी माइनस 500 आया, ठीक है। तो जो फाइनल काइनेटिक एनर्जी आ जाएगा, काइनेटिक एनर्जी फाइनल दैट इज प्लस 475 जूल, वैसे भी निगेटिव होगा नहीं, काइनेटिक एनर्जी निगेटिव होगी नहीं, प्लस 475 जूल, 475 जूल दैट इज द फाइनल काइनेटिक एनर्जी, ये वाली चीज़, ठीक है। चलो तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो दूसरे सेशन में हम लोग डिस्कस करते हैं, आप देखो कि मैं क्वेश्चन कर कैसे रहा हूँ, और उस वीडियो पॉज करो और खुद प्रैक्टिस करो, नहीं होता है तो वीडियो स्क्रीन पॉज करके फिर सोल्यूशन देखो, और अगर ये पूरा प्रैक्टिस कर लेते हो 31 ईयर तो आपको एक एक्सपीरियंस मिल जाएगा, एक एक्सपोजर मिल जाएगा कि क्वेश्चन करते कैसे हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।